बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बकरे की कलेजी। उसके लिए मैंने कलेजी ली है 1.5 पाउंड। कलेजी के ऊपर मैंने 4 लहसुन को जवों को क्रश करके मल के रख दिया था थोड़ी देर के लिए। 10 मिनट के लिए आप मल के रख दें। उससे ये होता है कि कलेजी की महक निकल जाती है, जो पकते वक्त बदबू आती है वो निकल जाती है। प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे और हल्के हल्के कलेजी को आप उसको फ्राई करेंगे। हल्की आंच पे पकाएंगे तो बहुत अच्छी बनती है और आसानी के साथ ये गल भी जाएगी। अब इसके अंदर मैं डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, आधा कप इसमें डाला है मैंने दही फेंटकर। बहुत जल्दी बन जाती है कलेजी। आप फ्रेश कलेजी लेके आएं तो उसको घर के मसाले से बनाएं। बहुत आसान इसकी रेसिपी है। वन टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून है इस पे सर जीरे का पाउडर। अच्छी तरह से धनिया और जीरा को फ्राई कर लें। फिर इसमें जाएगा 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च का पाउडर। मिर्चें कम और ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। नमक और चाट मसाला मैं आखिर में डालूंगी। 1/4 टीस्पून लिया मैंने हल्दी पाउडर। दस मिनट के लिए इसको मैं ढककर रख दूंगी। जब कलेजी गल जाएगी तो बाकी मसाले हम उसके बाद डालेंगे। इस टाइम पे चेक कर लें, कलेजी हमारी गल गई है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी रोस्टेड क्यूमिन पाउडर 1/2 टीस्पून, यानी भुना हुआ जीरा आधी चाय की चम्मची। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून मैं डालूंगी इसमें चाट मसाले का पाउडर। चाट मसाले के पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है कलेजी के में। अब इसको भून के हम गार्निश कर लेंगे हरा धनिया और हरी मिर्च से, और फिर इसको हम डिश आउट करेंगे। नमक डाला है मैंने इसमें 1/2 टीस्पून। नमक इसको आखिर में डालना है सबसे। ये इस रेसिपी में कलेजी के हम नमक सबसे आखिर में डालते हैं। मटन कलेजी हमारी डन है। इसको मैंने गार्निश कर लिया है हरा धनिया और हरी मिर्च से। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। बनाकर ज़रूर देखिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।